सुप्रभात विद्यार्थियों, तो इसके पहले के वीडियो में हमने अविकारी शब्द क्रिया विशेषण के भेदों को उदाहरण सहित विस्तार से जाना। अब कुछ विद्यार्थी जो हैं विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि विशेषण आप पहले पढ़ चुके हैं, क्रिया विशेषण अभी पढ़े हैं, दोनों में एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जब वह वाक्य में प्रयोग किए जाएंगे तभी वह स्पष्ट होगा कि वह शब्द विशेषण है या क्रिया विशेषण। आज हम इस वीडियो में विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर, इस वीडियो में हम विशेषण और क्रिया विशेषण के अंतर को जानेंगे। विशेषण सबसे आप परिचित हो गए हैं मेरे विद्यार्थी, कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद विशेषण, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की जो पद विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण। परंतु क्रिया की विशेषता बताने वाले पद क्रिया विशेषण होते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले पद क्रिया विशेषण होते हैं, अर्थात इसमें क्रिया की विशेषता बताई जाती है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद को विशेषण कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो पहले पद में हमने परिभाषा लिखी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद को विशेषण और क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण पद कहते हैं। उदाहरण के द्वारा, विभिन्न उदाहरणों के द्वारा हम देखते हैं विद्यार्थी। जैसे पहला उदाहरण, राम के पास बहुत पुस्तक है। राम के पास बहुत, ये बहुत शब्द जो है वो विशेषण। अब किताब जो है, किताबें जो है वो क्या है, संज्ञा शब्द। संज्ञा के आगे बहुत शब्द लगा है तो यह क्या होगा, विशेषण। क्या होगा, विशेषण होगा। यहां देखें, राम बहुत खाता है, खाना क्रिया है, क्रिया के आगे लगे तो वह क्या होगा, क्रिया विशेषण। वह क्या होगा, क्रिया विशेषण। शब्द दोनों एक है, ये क्रिया के आगे लगा है और ये संज्ञा के आगे लगा है। दूसरा उदाहरण देखते हैं विद्यार्थी, यतीन अच्छा लड़का है। यहाँ पर अच्छा, तो लड़का जो है वो संज्ञा है, लड़के की विशेषता बताई जाती है तो अच्छा जो है वह विशेषण होगा। यतीन अच्छा गाता है, तो गाने की विशेषता बताई जा रही है तो वहां वो क्रिया विशेषण होगा। अब यहां ये भी ध्यान रखें कि राम के पास बहुत पुस्तक है, ये परिमाणवाचक संख्यावाचक है, संख्यावाचक। यहां राम बहुत खाता, ये परिमाणवाचक, ये संख्यावाचक विशेषण है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा उदाहरण देखें, उसने सुंदर चित्र बनाया। यहां पर शब्द आएगा सुंदर, सुंदर जो है चित्र की विशेषता बताई जा रही है इसलिए वह क्या होगा, विशेषण होगा। और उसने सुंदर लिखा, उसने सुंदर लिखा, सुंदर जो है लिखने की विशेषता बताई जा रही है इसलिए वह शब्द होगा क्रिया विशेषण। क्या होगा, क्रिया विशेषण। अगला पांचवा उदाहरण देखते हैं, तुम कम खाते हो, कम खाना खाते हो, तुम कम खाना खाते हो। अब यहां खाने की विशेषता बताई, भोजन की विशेषता बताई जाए तो ये हो गया कम खाना, परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा हुआ, परिमाणवाचक विशेषण। परंतु तुम कम खाओ, यहां खाने की विशेषता बताया जा रहा है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो यहां हमने विद्यार्थी इस वीडियो में विशेषण और क्रिया विशेषण के अंतर को जाना। अगर वह क्रिया के आगे लगे हो, क्रिया की विशेषता बताई जा रही हो तो उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। अगर वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है तो उसे हम
विशेषण पद कहेंगे। विद्यार्थी अब आपको विशेषण और क्रिया विशेषण में कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।